नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रैगो स्टडी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना है। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जो है लाइक करके फॉलो कर लें और नोटिफिकेशन वहाँ पर भी ऑन कर लें। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हरियाणा में पीटीआई की भर्ती का मामला इतने दिन से जो है तूल पकड़े हुए है। उस पर क्या कुछ फैसला हुआ, आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसके बाद जो है 5 महीने का टाइम सरकार को दिया गया कि वो भर्ती को दोबारा से करें। और उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि 3 दिन के अंदर अंदर इस भर्ती को जो है ख़त्म करते हुए जो कि ड्यूटी कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए। उसके बाद जो है दोबारा से फिर फैसला जो है पलट दिया गया कि इनको ना हटाया जाए। उसके बाद फिर से फैसला किया गया कि इनको 1 दिन के अंदर ही हटा दिया जाए। हटाने के ऑर्डर जो है जारी कर दिए गए थे। तो उसके बाद जो पीटीआई टीचर्स हैं उन्होंने रुख किया था हाई कोर्ट का, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का। तो अब जो 9 तारीख का फैसला जो है, जो उसके ऊपर सुनवाई की जानी थी 9 तारीख को, यानी कि 9 जून को, और आज है 9 जून। तो आज ये फैसला जो आया है, जो क्या कुछ रहा मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तो पूरी अपडेट जरूर देखिए। तो जो फैसला आया है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप देख पाएंगे कि हरियाणा के 1983 पीटीआई टीचरों को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, यानी कि इनके लिए बुरी खबर जो है आ चुकी है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि जब तक ये भर्ती जो है, आप जानते हैं ऑनलाइन फार्म निकल चुके हैं दोबारा से, कि जब तक ये भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें ना हटाया जाए, क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि इनकी नौकरी बच जाएगी, दोबारा से ये जो है अपनी परीक्षा पास करके नौकरी पा लेंगे, इन्हें उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पर पूरी खबर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि बड़ा झटका जो हाईकोर्ट की ओर से अब इनको लग चुका है। तो हाईकोर्ट ने जो टीचर्स के जो केस था इन्होंने किया था कि दोबारा से हमें नौकरी से तब तक ना निकाला जाए, इनको जो है डिसमिस कर दिया गया है केस को। तो अब देख सकते हैं कि 1983 पीटीआई टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश जो दिया था, दोबारा से भर्ती जो निकाली जा चुकी है और इसके ऊपर एक्शन लिया गया था कि इनको हटा देना है, ठीक है। तो इन्हीं आदेशों को रोकने के लिए पीटीआई टीचर्स ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तो पहली सुनवाई के दौरान जो है सरकार ने, जो हाईकोर्ट ने जो सरकार से जवाब मांगा था कि पीटीआई की सेवाओं को यथास्थिति रखने के आदेश दिए थे, अब हाईकोर्ट ने यह केस जो है डिसमिस कर दिया है। अब देखिए, तो ये आज ही की अपडेट है, आज 9 तारीख की, यानी कि 9 जून की, अब इनको झटका लग चुका है इनकी उम्मीदों को। अब मुझे नहीं लगता इनके पास अब कोई ऑप्शन जो है बचा हुआ है। तो अब जो है दोबारा से भर्ती होगी, इनको नौकरी से निकाला जाएगा, और जब अगर इनका सिलेक्शन दोबारा से किसी कैंडिडेट का हो जाता है तो ही उन्हें नौकरी मिल पाएगी, अदरवाइज इनकी नौकरी अब जाने वाली है। ये यहाँ तक अब जो है साफ साफ हो चुका है। तो ये पूरी अपडेट थी जो मैंने आपको दिखाई है, आज ही की लेटेस्ट अपडेट है। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए आपको पता ही है कि क्या करना है, कि रेड कलर का नीचे आपको बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करिए, घंटी के निशान को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पर जाइए और वहाँ पर जाकर उसको लाइक करिए और फॉलो करके जो है नोटिफिकेशन वहाँ पर भी ऑन कर लीजिए।